कहीं कहने लायक छोड़े हैं? राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं और जो सभी जगह फैल है वही राजनीति लूट रहे हैं। हम लोग को बर्बाद कर दिया है बिहार के युवा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो पटना के डाक बंगला चौराहा पर एकजुट हो गए। जिस तरह से कहें तो जो डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है, जिसको लेकर तमाम अभ्यर्थी हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह से कहें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, जिसको लेकर आज वे सड़कों पर उतरे हुए हैं। और तमाम अभ्यर्थी हैं जो राजभवन मार्च की ओर जा रहे थे। क्या कहिएगा, सड़क पर उतरे आप लोग? सर क्या बोल सकते हैं, ये बिहार के जो पॉलिटिशियन है ना, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? ये कहीं कहने लायक छोड़े हैं? राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं और जो सभी जगह फैल है वही राजनीति लूट रहे हैं। हम लोग को बर्बाद कर दिया है बिहार के युवा को। डोमिसाइल दे करके हमारे प्लेट से खाना खींचने का काम किए हैं और सोच रहे हैं कि हम 2024 और 25 में पीएम बन जाएंगे और सीएम बन जाएंगे। तो याद रखिए कि हमारा सपना चकना चूर करके आप पीएम और डिप्टी सीएम छोड़िए आप कुछ नहीं बनिएगा। आप लोग लगातार खाली सड़क पर उतर रहे हैं, क्या किया जाए सर? अपने हक के लिए उतरना पड़ता है, क्या किया जाए? कभी आप लोग बीपीएससी को एग्जाम देने को लेकर नहीं उतरते हैं, कभी आप लोग जो मिसाल नीति को लिए उतरते हैं। बीपीएससी के लिए आप लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बहुत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या बोले आपके, हम लोग बीपीएससी के एग्जाम अभी नहीं, शांति पूर्वक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये जो 2-3 दिन पहले इन्होंने फरमान जारी किया है उसी का क्रोध है। इन्होंने बोला कि एग्जाम लेंगे, हम तैयार थे। इन्होंने बोला निगेटिव मार्किंग के साथ लेंगे, वो भी तैयार है। बोले अपियरिंग को लेंगे, वो भी तैयार थे, लेकिन डोमिसाइल कभी नहीं हटाने देंगे। डोमिसाइल लगेगा, हमारा हक है, हमें भी लग जाएगी। क्या लगता है, सरकार वापस लेंगे? धरना करेंगे, प्रतिदिन धरना करेंगे, नहीं मानेगा, सरकार को मना कर रखेंगे, डोमिसाइल नीति को वापस करवा कर रहेंगे। देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरे हैं, जिस तरह से कहें कि वो डोमिसाइल नीति खत्म किया गया है, जिसको लेकर आज ये लोग सड़क पर उतरे हैं। देख सकते हैं कि काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इन्हें पटना के जो डाक बंगला चौराहा पर वहीं पर रोक दिया गया है, जिस तरह से कहें तो ये इन लोग हैं जो आज और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास और शिक्षा मंत्री के आवास को घेराव करने के लिए निकले हैं। और इनका कहना है कि डोमिसाइल नीति को खत्म किया जाए, जो खत्म किया गया है उसे लागू किया जाए। और देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश भी दिख रहा है और लोगों और अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे कि आगे क्या कुछ, जिस तरह से कहें तो जो डोमिसाइल नीति के लिए आप लोग आज यहीं पर रोक दिया गया। क्या कहोगे भाई, आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, रोक लिया गया पुलिस प्रशासन? हम लोग पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं, हम सब आपके बाल बच्चे हैं और हम सब बिहारी हैं। यदि बंगाल बंगालियों का है, झारखंड झारखंडियों का है, राजस्थान राजस्थानियों का है, तो बिहार बिहारियों का है। इसके रोजगार पर पहला हक बिहारियों का है, तो हमें पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। हमारे सब, हम उनके कोऑपरेट कर रहे हैं, हम शिक्षक हैं, अनुशासन के परिचायक हैं और हम सब सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए ताकि हम अपनी बातों को रख सकें। लोग कह रहे हैं कि मतलब हम चुनाव में बदला लेंगे, चुनाव में हम क्यों बदला लेंगे, चुनाव तक तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमको चाहिए अभी, बस अभी चाहिए हमको जो भी न्याय हो, और क्लियर होना चाहिए कि हमको ये डोमिसाइल जो है बिहार में लागू होना चाहिए। ये जिलेबी जैसा सिलेबस को जो टगेट दिए हैं उसमें कुछ नहीं होने सकते हैं कि जो प्रशासन है वो अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि हम लोग आप लोगों की बात है जो ऊपर तक पहुंचाएंगे। और इसलिए देखिए कि अभ्यर्थियों के साथ किस तरह से जो प्रशासन है वो बात कर रहे हैं और जिस तरह से कहें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को चुनाव तक वेट नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव तक लाइफ खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि डोमिसाइल नीति को आप लागू करें, जो खत्म कर रहे हैं, जो आप पीएम का सपना देख रहे हैं वो सरासर गलत है, तब तक हम लोगों का लाइफ बर्बाद होगा। लेकिन देख सकते हैं कि जिस तरह से इन लोग 72 घंटा का अल्टीमेट दिए थे वो खत्म हो गया है, जिसको लेकर तमाम अभ्यर्थी हैं वो आज सड़कों पर उतरे हैं। सड़क पर उतर कर साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को घेराव करने के लिए पहुँच रहे थे, लेकिन इन्हें डाक बंगला चौराहा पर ही रोक दिया गया है। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।